देखिए भाजपा वालों को, मैं जो आज के नेता है वो गुजरात से, मैं बड़ी बली भांति जानता हूं इनको। कोई जवाब नहीं बचा था जब राहुल गांधी जी ने बोल दिया, सच में मैं भी हिंदू हूं और हिंदू क्या होता है उसका सही बात राहुल गांधी जी ने कहा। मुझे फक्र है कि मेरे नेता ने सही हिंदुत्व की बात की, और वो सामने मोदीत्व है जो मेरे हिंदू मजहब को बदनाम करता है, बर्बाद करता है। हमारे मजहब में ये सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं हिंदू, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है कि मेरे घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो आत्मा अमर है और वो किसी भी मजहब में किसी भी जगह पे वो पैदा हो सकता है, और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम है। और इसमें सिखाया गया है कि आपको किसी को डराना नहीं है, डरना भी नहीं है। ये मजहब का बेस है, हमारे हिंदू धर्म का ये सिद्धांत है। भाजपा वालों ने क्या किया, छोटी राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जो हिंदू धर्म का सही मतलब है उसको पूरा उल्टा कर दिया। डराने का काम किया, मारने डालने का काम किया। अरे हमारा हिंदू धर्म तो वो है जिसको हम फक्र से कहते हैं कि चींटी अगर हमको काटती भी है उस चींटी को भी खाना दो, बाद में अपना खाना खाओ। इतना नोबल जिसको कहता है, इतना उम्दा जिसको कहते हैं, वो धर्म हमारा है। राहुल गांधी जी ने उसी की बात की, उन्होंने अभय मुद्रा की बात की। शिव जी का चित्र राहुल गांधी जी के हाथ में, भगवान शिव का फोटो देख के भाजपा वाले बौखला गए। उनको तो ये लगता है कि हिंदू मजहब पे बस हमारा ही ठेका है। अब राहुल गांधी जी शिव जी को लेके आ गए, इससे भाजपा को लगा कि असली हिंदू धर्म अगर समझ में आ जाएगा देश को तो हमारी तो दुकान को ताला लग जाएगा। तो ये बौखलाई हुई भाजपा राहुल जी की सही बात को किसी तरह से तरोड़ बरोड़ के गलत रखने की कोशिश करते हैं, पर इसमें इसको फायदा नहीं होगा।